बॉलीवुड में फिल्म बनी थी जिसका नाम था नटवरलाल और इस फिल्म में काम किया था अमिताभ बच्चन ने। फिल्म बेहद चर्चित हुई और इससे ज़्यादा चर्चित हो गया नटवरलाल का नाम। लेकिन नटवरलाल फिल्म बनने के समय भी एक दिलचस्प किस्सा है। बताया जाता है कि जब नटवरलाल फिल्म बन रही थी तब ओरिजिनल नटवरलाल ने फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ एक केस कर दिया। इसके बाद जब फिल्म पर रोक लगने की नौबत आ गई तो निर्माता निर्देशक ने ओरिजिनल नटवरलाल के हाथ पैर जोड़े और इसके बाद नटवरलाल को 3 लाख रुपए दिए गए, तब मुकदमा वापस हुआ। इसके बाद ये फिल्म बनकर तैयार हुई लेकिन इस फिल्म ने नटवरलाल की प्रसिद्धि को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैला दिया। नटवरलाल के बहुत से ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनकर आश्चर्य होता है। कहा जाता है कि भारत में नटवरलाल से बड़ा महाठग कोई नहीं हुआ। उसने बड़ा सरकारी अफसर बनकर विदेशियों को 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक बेच दिया था। संसद भवन को बेचने के लिए तो जरूरी दस्तावेज पर तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नकली हस्ताक्षर तक कर दिए थे और रकम ऐंठ ली गई थी। कहते हैं कि एक बार पड़ोस के गांव में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवरलाल को उनसे मिलने का मौका मिला। नटवरलाल ने उनके सामने भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। नटवरलाल ने तत्कालीन राष्ट्रपति से कहा कि आप एक बार कहें तो भारत पर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार भी बना सकता हूं। नटवरलाल की कहानी बड़ी रोचक है। उनका ओरिजिनल नाम मिथिलेश कुमार था। इसके अलावा उसने लगभग 50 से अधिक नाम रखे थे लेकिन नटवरलाल नाम ही सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ। उसके बारे में कहा जाता है कि उसका जन्म बिहार के सिवान ज़िले में हुआ था। उसमें सबसे पहली चोरी उसी दौर में 1000 रुपये की थी। जब उसके पड़ोसी ने नकली हस्ताक्षर कर बैंक से पैसे निकाल लिए थे। नटवरलाल के बारे में कहा जाता है कि उसके पास ऐसा हुनर था कि वो एक ही नज़र में किसी के भी हूबहू हस्ताक्षर कर लेता था। उसकी एक बड़ी ठगी का किस्सा बेहद चर्चित है और ये बात अगस्त 1987 की बताई जाती है, जब कनाट प्लेस में एक घड़ी के बड़े शोरूम पर नटवरलाल पहुंचा और उसने खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ के रूप में दिया और कहा कि इन दिनों प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं। कीमती घड़ियां उन्हें चाहिए और उनकी संख्या लगभग 93 बात फाइनल हो गई। लेकिन अगले दिन नटवरलाल शोरूम मालिक से घड़ी पैक करने की बात कहकर एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक में ले गया। वहाँ उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,000 का बैंक ड्राफ्ट भी दे दिया। 2 दिन बाद जब शोरूम मालिक ने जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि ड्राफ्ट फर्जी है। तब तक नटवरलाल के ऐसे दर्जनों किस्से चर्चा में आ चुके थे। घड़ी मालिक बुरी तरीके से ठगा जा चुका था। नटवरलाल के गायब होने की भी एक बड़ी ज़ोरदार कहानी है। उसे एक बार दिल्ली स्टेशन से पुलिस वाले ले जा रहे थे तब उसने पेट दर्द का बहाना कर एक पुलिस वाले को गोली लेने और एक पुलिस वाले को पानी लेने भेजा और इसी बीच वो भाग निकला। इसके बाद वो कहाँ गया उसका कोई पता नहीं चला। उस पर लगभग 100 से अधिक ठगी के मामले चल रहे थे। बाद में पता चला कि नटवरलाल की मृत्यु हो गई है लेकिन कहाँ हुई, कैसे हुई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं आ पाई, यानी उसकी मौत भी रहस्य बनकर रह गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।